हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में कुछ चर्चा की जाएगी। जैसे देखिए, आपके जैसे आयरन है, जल है, Fe3O4 है, H2 है, इसकी संख्याएं असमान होती हैं। आपको परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन मिलने जरूरी है, तय है बिल्कुल कि इस तरह के आपके इनवैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, संतुलित करना होगा। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक के जो भी इधर जो इस्तेमाल किए जाते हैं अभिकारक, इधर के परमाणु जो होते हैं उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं इसको। इधर से यहाँ जितने भी तीर से इधर के बाहर के जो पदार्थ होते हैं उसको कहते हैं उत्पाद। ये अभिकारक है और ये उत्पाद। क्लियर? इधर वाले जितने भी परमाणु है ये सबको अभिकारक कहा जाता है, और इधर के जितने भी परमाणु होते हैं तीर से बाहर इसको उत्पाद कहा जाता है। अब देखिए आपको क्या करना होता है कि अभिकारक और उत्पाद में देखना होता है कि अभिकारक में जितने परमाणु होते हैं ठीक उतने ही परमाणु उत्पाद में होने चाहिए। अगर इसमें अंतर होता है तो संतुलित नहीं बल्कि असंतुलित हो जाता है। तो आपको संतुलित करना है। जैसे यहाँ पर आयरन 1 है और यहाँ पर आयरन 3 है, जल H2 की मात्रा 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो इन्हीं परमाणुओं को आपको संतुलित करना होता है। तो उसकी पहली विधि होती है कि सभी को पहले ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। पहला है सभी को ब्रैकेट के अंदर कर दो, ठीक है। ये सभी को ब्रैकेट के क्या कर दिया आपने? अंदर कर दिया। अब क्या होता है कि आप अभिकारक में प्रयुक्त जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या को लिख लो और उत्पाद में जितने भी परमाणु की संख्या उसको लिख लो। तो यहां पर लिखिए तत्व, ये आपके हैं तत्व। कौन कौन से हैं अभिकारक के? कौन से तत्व हैं यहाँ पर? आयरन के कितने हैं? 1 हैं। और यहाँ पर कितने हैं उत्पाद में? कितने हैं इसके आयरन के? कितने तत्व हैं? 3 हैं। यहाँ पर देखिए, सॉरी, आप यहाँ लिखे पहले आयरन। आयरन कितने हैं? आयरन की संख्या यहाँ पर अभिकारक में 1 है और यहाँ है 3। हाइड्रोजन की संख्या लिख लीजिए, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की संख्या लिखिए, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी है? 4। अब आपको ये मालूम हो गया कि अभिकारक में हमारे तत्वों की संख्या कितनी है और उत्पाद में भी तत्वों की संख्या कितनी है। तो अभिकारक में आयरन की संख्या 1 है और यहाँ है 3, यानी तो इसको 3 के बराबर करना होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर 2, इसको बराबर, तो ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो आपको ये होता है कि जो सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं उसको पहले लिया जाता है। तो आपको देखना कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर उसको 4 के बराबर करना होगा। तो इसको क्या करना होगा कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई। तब 4 से जब इसको 4 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अगला आपका रिएक्शन बनेगा Fe+4H2 gives out Fe3O4+H2। ये क्या आपने? अब देखेंगे कि आयरन यहाँ 1 है, अब फिर संख्या को लिख लेंगे अभिकारक में आपका तत्व। आयरन की कितनी है? आयरन की संख्या है 1 और यहाँ संख्या है 3। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 दुनी 8 हो गई, आपकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई और यहाँ पर संख्या है 2 ही है। और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी हुई? 4 हो गई और यहाँ पर भी संख्या इसकी 4 हो गई, इसकी भी संख्या 4 है। अब देखो 4 हो गई, 4 हो गई। पहले यहाँ पर इसमें बराबर था हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसको 4 बढ़ाया गया आगे तो ये तो 4 हो गया ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 दुनी 8 हो गई और यहाँ पर आपका 2 ही है। तो अब क्या करना होता है कि जहां पर आपका 2 हाइड्रोजन था वहां पर क्या करेंगे? इसको 4 हाइड्रोजन से गुणा कर देंगे। इसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 4 लिख लेना होगा। तो अगला देखिए जो रिएक्शन बनेगा आपका, तो अगला किस तरह से रिएक्शन बनेगा? Fe+4H2O gives out Fe3O4+4H2। क्लियर? अब देखिए यहाँ
यहाँ पर चार एस टू हो गया, चार दुनिया की भी हो गया, आयरन देखे यहाँ पर एक है, ये भी हो गया। अब आपको देखना होगा कि अब संख्या में कितने हैं। अब देखे यहाँ पर आयरन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन। अब इधर देखे आयरन कितने हैं, तत्व कारक कितने हैं, एक है और यहाँ पर तीन है। हाइड्रोजन कितने हैं, आठ है और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन आठ है। और यहाँ पर ऑक्सीजन आपके कितने हैं, चार है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन चार है। तो आपको आपकी किस संख्या संतुलित करनी होगी, तीन की। यहाँ पर एक है, यहाँ पर तीन है, तो इसको भी तीन से गुणा कर दो। तो जब इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पर इसका मतलब तीन से गुणा कर देंगे तो ये रिएक्शन प्राप्त होगा, थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू ओ गिव्स आउट एफ ई थ्री वो फोर प्लस फोर एच टू। ठीक है, अब आप इसमें तत्वों के सभी की संख्या देख लें कि क्या क्या है। अब इसमें आयरन की संख्या आप देखेंगे, आयरन की संख्या तीन है, हाइड्रोजन की संख्या चार दुनी आठ है, वो की संख्या चार है, इसकी भी संख्या तीन है, इसकी चार है और इसकी चार दुनी आठ है। यानी अब आपको बैलेंस रिएक्शन मिल गया। देखिए यहां पर ये आपका यफी की संख्या तीन है, हाइड्रोजन की संख्या आठ है, ऑक्सीजन की संख्या चार है। यहां पर भी देखो इधर यफी कितनी है, तीन है, हाइड्रोजन की संख्या आठ है, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या आठ है और ऑक्सीजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या भी चार। यानी अब आपको क्या मिल गया, एक फाइनल सभी के आपके तत्वों की संख्या आपस में बराबर हो गई और आपको एक फाइनल ये रिएक्शन आपको फाइनल बैलेंस वाला रिएक्शन मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से बच्चों इस तरह से आपका ये रिएक्शन बैलेंस किया जाता है। इसी के साथ आपको चाहे जो भी तत्व दे दिया जाएगा, जो भी आपको रासायनिक संकट दिया जाए उसमें आपको देखेंगे कि कारक कितने हैं, उत्पाद कितने हैं। अब कारक में परमाणु की संख्या सब लिख डालें, इधर लिख डालें, जो संख्या में सबसे ज्यादा हो उसको आप करना शुरू कर दें। धीरे 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 करके आप एक फाइनल टेस्ट पर पहुंच जाएंगे और आपका संतुलित रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस ये वीडियो यहीं तक, और आपके लिए अगला वीडियो मैं तुरंत भेज रहा हूँ। तब तक मेरे इस चैनल को देखें, मेरे इस वीडियो को देखें और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं दोस्तों।